स्वास्थ्य के अधिकार के कानून के विरोध में आज झुंझुनू जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो और चाहे ओवर हाउसकीपिंग स्टाफ हो, सभी ने आज यहां पर 1500 से अधिक की संख्या में इकट्ठा होकर इस कानून के विरोध में एक रैली निकाली है। और हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों की एक सूत्रीय मांग यही है कि इस RTH के बिल को वापस लें। इस RTH के बिल से न तो जनता को कोई फायदा है और प्राइवेट अस्पतालों को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम सभी प्राइवेट अस्पताल विरोध करते हैं। और ये जो कानून सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, ये सिर्फ सरकार का अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए और ब्यूरोक्रेट्स का निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने के अलावा इस जो RTH बिल का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए इस वाहियात कानून को सरकार वापस ले ताकि हम निजी चिकित्सक जो है वो अपने काम पर वापस लौट सकें और जनता को स्वास्थ्य सेवाएं दोबारा से सुचारू। आगे क्या प्लान है आपका आगे कल? आज इस रैली के बाद यहां पे शाम को 5 बजे तक धरना दिया जाएगा और उसके बाद कल हम जयपुर में होने वाले विधानसभा घेराव के लिए तैयारियां करेंगे और कल सुबह इतनी ही संख्या में बसों के द्वारा भरकर विधानसभा के घेराव के लिए रवाना होंगे सुबह 5 बजे। हमारी आज ये जो रैली है वो RTH बिल के खिलाफ है और ये है बिल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर थोपा जा रहा है, न तो उन पर कोई राय ली गई है और न उनको कोई सही सुविधा दी गई है। उन पर केवल है कि आपको हर इमरजेंसी के एक नाम पे इलाज करना पड़ेगा, अगर मरीज को फ्री में करना पड़ेगा। मरीज को कहीं भेजना है तो आप अपनी एम्बुलेंस से भेजोगे, रेफर भी करना है तो, और इसके रिएम्बर्समेंट का कोई भी ऐसा नियम बनाया गया है कि इसका प्रावधान नहीं दिया गया। इसके साथ साथ भी ये अगर मरीज ये शिकायत करता है कि मेरी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करी गई तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें भी डॉक्टर्स का कुछ भी नहीं है, केवल एक कलेक्टर है, एक CMO है। और अगर उन्होंने अगर आप हॉस्पिटल पे या डॉक्टर पे का कोई फाइन किया है तो उसकी कहीं भी अपील नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। उसके खिलाफ 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं, पूरे जिले से हैं। आगे की क्या रहे? के लिए हम सब विधानसभा का घेराव करेंगे जयपुर जाएंगे। कितने बजे?